अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको पाकिस्तान पंजाब के शहर झंग में माई हीर स्टेडियम की सैर करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। ना सिर्फ माई हीर स्टेडियम बल्कि माई हीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का भी विज़िट करवाऊँगा। नाज़रीन, आज मैं आपको माई हीर स्टेडियम के मुतल्लिक तफसीलन बताऊँगा, ये कब बना और इसकी क्या तारीख है। नाज़रीन, इस स्टेडियम की बुनियाद सन 1963 में रखी गई थी। उस वक्त इसको मवेशी मंडी के तौर पर बनाया गया था। यहाँ पर मवेशियों की मंडी लगती थी, जैसा कि आप ये संगे बुनियाद पर देख रहे हैं। 2021 में डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म से इसकी तज़यीन और आराइश की गई। ये माई हीर स्टेडियम सियासी सरगर्मियों और सियासी जलसों के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है और होता है। अब इसमें नौजवान बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और फुटबॉल के लिए भी पोल लगाए गए हैं। अगरचा अब भी इसमें सब्ज़े का फुकदान है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर है। काफ़ी वसी व अरीज़ अहाते पर ये मुहित है और काफ़ी खुला और कुशादा ये स्टेडियम है। स्टेडियम को माई हीर के नाम से इसलिए पुकारा जाता है कि इस स्टेडियम से कुछ ही फासले पर माई हीर दरबार है, यानी हीर रांझा का दरबार है, जिसे माई हीर कहते हैं। और इस इलाके का नाम भी माई हीर ही के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर कौमी सतह पर कोई भी फेस्टिवल हो तो उसका इनेकाद भी यहीं पर किया जाता है, जैसे कि जश्न बहारा या फिर तीर अंदाजी के मुकाबले और दीगर फेस्टिवल जो हैं वो इसी स्टेडियम में होते हैं। अब भी स्टेडियम को तवज्जो की इंतहाई ज़रूरत है कि कहीं पर सब्ज़ा है और किसी जगह पर सब्ज़ा नहीं है। लोगों के बैठने के लिए इमारत बनाई गई है, साया बनाया गया है कि वो बैठकर यहाँ पर होने वाले मैचेस या दीगर फेस्टिवल देख सकते हैं। ये स्टेडियम इलाके के लोगों के लिए अपनी खेलों की सरगर्मियां जारी रखने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहां पर बच्चे और नौजवान आकर अपने अपने मशगले यानी खेलों का अहतमाम करते हैं और जिस्मानी वर्जिश और सैर का अहतमाम करते हैं। अब मैं नाज़रीन आपको स्पोर्ट्स स्टेडियम और जिमनेजियम माई हीर झंग लिए चलता हूँ। यहाँ देखते हैं कि क्या क्या मशगिल हो रहे हैं और लोगों को किन किन खेलों के लिए सहूलियात मुयस्सर हैं। नाज़रीन, इस स्पोर्ट्स स्टेडियम के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में वॉलीबॉल नेट लगाया गया है, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं लोग वॉलीबॉल आकर खेलते हैं। ये सामने ही स्पोर्ट्स स्टेडियम के दफ्तर की इमारत है। वॉलीबॉल ग्राउंड के साथ ही बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाया गया है, जहां पर लोग बास्केटबॉल खेलते हैं। ये बास्केटबॉल के पोल बनाए गए हैं, जहां पर लोग आकर नौजवान जवान बच्चे बास्केटबॉल खेलकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और अपना जिस्मानी वर्जिश करते हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ साथ ये जिमनेजियम भी है, यहाँ पर जिमनेजियम के लिए भी सहूलियात हासिल हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको स्टेडियम के दूसरे हिस्से की जानिब लिए चलता हूँ, देखते हैं वहाँ पर क्या मशागिल हो रहे हैं और वहाँ पर क्या क्या सहूलियात हासिल हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम दूसरे हिस्से की जानिब स्टेडियम के जा रहे हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मोटरसाइकिलों के खड़ा करने की भी जगह बनाई गई है, लेकिन सफाई का फुकदान है जैसा कि आप देख रहे हैं, और घास भी कहीं है कहीं पर नहीं है। नाज़रीन, ये प्रैक्टिस के लिए नेट, प्रैक्टिस के लिए नेट लगाया गया है जहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले बच्चे जवान आकर प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन यहाँ पर फुटबॉल के मैचेस भी होते हैं, उनकी सरगर्मियाँ भी यहाँ होती हैं। यहाँ पर अक्सर टूर्नामेंट वगैरह होते रहते हैं। यहाँ पर ज़िलाई सतह पर भी टूर्नामेंट होते हैं। नाज़रीन, आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल व्लॉग नाज के तवसुत से देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो और मेरी कोशिश पसंद आ रही हो तो आपसे इल्तमास है कि मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल व्लॉग नाज को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा आने वाली भी मालूमाती और अच्छी अच्छी वीडियो बिलाता तो लाभ तक पहुँचती रहें। इसी के साथ नाज़रीन, मेरा माहिर स्टेडियम और स्पोर्ट्स स्टेडियम का विज़िट मुकम्मल हुआ, आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।